बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेलन न्यूज, मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। लाहौर धमाके में भारत मुलव्वस, सबूत मिल गए, मास्टरमाइंड भारती शहरी निकला। मोदी सरकार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्वस, धमाके की फंडिंग करने वालों का भी सुराग मिल गया। फवाद चौधरी की मोईद यूसुफ और आईजी पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर धमाके का मरकजी मुलजिम ईद गुल का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बना रखा था। मुलजिम ने धमाके से कबल गाड़ी पर जाए वकूआ की रेकी की, गाड़ी में बारूदी मवाद भी ईद गुल और उसकी बीवी ने नस्ब किया। भारत ने तीसरे मुल्क के जरिए पैसे भिजवाए। इस सारे अटैक का ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान की स्पॉन्सरशिप दहशतगर्दी की पाकिस्तान के खिलाफ। तमाम इंफॉर्मेशन इस लेवल तक भी कि कौन कहां से फोन कर रहा था, कौन से बैंक अकाउंट हिंदुस्तान के कौन से बैंक से पैसे ट्रांसफर हो रहे थे, कौन से वहां से फोन के रिकॉर्ड थे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए इस्तेमाल किए गए। भारतीय दहशतगर्दी के तमाम सबूत दुनिया के सामने रख दिए, अगर अब भी कोई तवज्जो ना दे तो समझेंगे कि दुनिया अमन नहीं चाहती। मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अफगान मुहाजरीन को कई बार अपने मुल्क जाने का कह चुके हैं, अब हम मजीद मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। इंडियन एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स ऑपरेटिंग अलोंग पाकिस्तान्स बॉर्डर्स हैव बिकम हब्स ऑफ टेररिस्ट स्पॉन्सरशिप अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडियन डिप्लोमैट्स इन अफगानिस्तान, they have been regularly supervising various terrorist activities. Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. The details are right now, they can be seen on the screen. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan. Afghanistan mein dehshatgardon ki tarbiyat ke 66 camp qaim. भारतीय सिफारतखाना और कौंसलेट पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस, भारतीय सिफारतकार दहशतगर्दी की वारदातों की निगरानी करते हैं, DGISPR के इंकशाफात। पीडीएम का सवात में पावर शो, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। 1 करोड़ नौकरियां देने के दावेदारों ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब, कहते हैं नए से तो पुराना पाकिस्तान बेहतर था। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, उन्हें भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। सवात में पीडीएम के कारकुन जलसा गाह बैठे रहे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब जिप लाइन से लुत्फंदोज होती रहीं। उम्मीद है नून लीग की लीडरशिप सवात में हुकूमत की बेहतरीन तफरीही सहूलतों से खूब लुत्फंदोज हुई होंगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। पीपल्स पार्टी की कयादत की अमेरिका यात्रा शुरू। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 1 हफ्ते के निजी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो और अजरा पिचेहो भी अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। पीपल्स पार्टी की कयादत अमेरिका क्यों जा रही है, हलीम आदिल शेख ने वजह बता दी। कहते हैं कि बिलावल भुट्टो अमेरिका में मैं हूं ना फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध का कहना है कि सईद गनी नैब को धमका रहे हैं, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। बलोचिस्तान हुकूमत नाराज, अरकान असेंबली को मनाने में कामयाब। ओपोजिशन का मुतालबा मंजूर, FIR वापस लेने पर ओपोजिशन ने धरना खत्म कर दिया। सूबाई वजीर दाखिला जिया लांगो की सरबराही में हुकूमती वफ्द बिजली रोड थाने गया और ओपोजिशन अरकान को मनाया। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को लूटने वालों की सियासत खत्म कर दी। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के बावजूद तरक्की का सफर जारी रखे हुए हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार का बयान, कहा कि माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया, लूटमार के कल्चर को दफन कर दिया है, रुकावटों के बावजूद अवामी खिदमत के सफर में रुकावट नहीं आने दी। मुल्क भर में पानी की कमी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब में जेर जमीन पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो गई। लाहौर में मीठे पानी के लिए 600 फीट गहराई तक जाना पड़ता है। पानी का ज़िया ना रोका गया तो कहत साली का शिकार हो जाएंगे, आबी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। कराची के इलाके लियारी में फायरिंग का अलदम तंजीम का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया।
नसीर उर्फ रैश को दुबई चौक के करीब नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया। मारा गया दहशतगर्द पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद के कत्ल और संगीन वारदातों में मतलूब था। के बाद जारी मोहलिक वायरस मजीद 29 जाने ले गया। 24 घंटों के दौरान 1228 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की तादाद 32,621 तक जा पहुंची। साइनोफार्म वैक्सीन की 7 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। मजीद 13 लाख खुराकें आज रात पहुंचेंगी। इस्लामाबाद के मैस वैक्सीनेशन सेंटर में मॉडर्ना वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई। एनसीओसी का कहना है वर्क परमिट, वीजे के हामिल शहरी, बैरूने मुल्क तालीम और कारोबार के लिए जाने वाले मॉडर्ना वैक्सीन लगवा सकेंगे। पिशावर में विरासत में हिस्सा मांगने पर भाइयों ने मां और बहन पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस की कार्रवाई, दोनों मुलजिम गिरफ्तार। लाड़काना में ईथी एम्बुलेंस ड्राइवर समेत अगवा। इमरान नामी ड्राइवर मैयत छोड़ने खैरपुर गया था, वापसी पर डाकुओं ने अगवा कर लिया। अगवाकारों का 3 साथी रहा करने का मुतालबा, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। फिलिपाइन मिलिट्री का C-130 तैयारा गिरकर तबाह, 85 मुसाफिर सवार थे। 40 अफराद को जलते हुए मलबे से निकाल लिया गया, बाकी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडिंग के दौरान तैयारे में अचानक आग भड़क उठी। मारूफ लोक फनकार अलन फकीर को बिछड़े 21 साल गुजर गए, आज भी उनका मखसूस अंदाज और उनकी आवाज अपने मदाहों के लिए सरूर का बायस है। जदीद मौसीकी के साथ लोक गायकी का मुनफरिद अंदाज अलन फकीर को सबसे जुदा बना गया। हेडलाइंस आपने जानी टैलन न्यूज के स्टूडियो से, फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलन न्यूज़।